समझ नहीं आ रहा मेरे, इतना अहम काम उठा के डैड ने हसन को दे दिया। एग्जैक्टली माय पॉइंट, समीना भी यही कहती है। मतलब शादी वादी करा देना ठीक है, समझ आता है, बच्चों वाली बात, लेकिन बिजनेस तो सीरियस मैटर है ना, नहीं फिलहाल। तुमने कितनी दफा कहा है कि बिजनेस के मामलात, ऑफिस के मामलात बीवी से डिस्कस मत किया करो यार। बात बता, आप तो पहले बहुत हिमायत करते थे हसन, अब जान से कह रहे हो। एहसास हो रहा है मुझे कि अगर हसन इसी तरह आगे बढ़ता रहा ना, तो डैड की नजर में हम दोनों निकम्मे साबित हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हमें किसी किस्म का कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो हमें खुद मौका दे। मैं क्या, इतने सालों से हम इस बिजनेस को देख रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि हसन हमें क्रॉस करके आगे चलाए। आप टेंशन लेना बंद करें, कोई हमें क्रॉस नहीं कर रहा, मिला कमेन। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। अरे भाई, चेहरे पे तो ऐसी मुस्कुराहट है जैसे ऑस्कर मिलने की उम्मीद होगी। भाई जब इंसान अपना काम अच्छे तरीके से करे ना, तो वो ऑस्कर मिलने के मुतरादिफ ही होता है। ओ, प्रेजेंटेशन का क्या हुआ, बना ली तुमने? जी भाई, बस कोशिश की है, सारी रात बैठ के सर खपाई करता है। कहीं जगह तो ऐसे लगा कि अगर MBA कंप्लीट कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता। बट एनी वेज, सलमान भाई देखिए ज़रा, हैव अ लुक। हाँ भाई, आई एम सॉरी एंड यू टेक दिस कॉल, मैं आके आपको बाकी सारा समझाता हूँ। एक्सक्यूज मी। देखो, देख रहे हो तुम, अगर उसने प्रेजेंटेशन दे दी और डील हासिल कर ली तो मेरी आपकी छुट्टी समझे। गेटिंग माय पॉइंट? मुझे तो अब एक और चीज की परेशानी है। क्या इसके अलावा और क्या है परेशानी के लिए? उसे पता है कि उसकी तालीम मुकम्मल नहीं है, इसलिए वो अपने तमाम तक फोकस बिजनेस पे कर। एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर अस। अगर इसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली ना, तो हमारी इस ऑफिस में कोई जगह नहीं रहेगी। किसी के लिए इतनी आसानी से जगह नहीं छोड़ने वाला, मेहनत की है मैंने। क्या कहिए, लड़की है ना हमारा, इसलिए मैं दिल चाह रहा था। ये तो वैसे चीटिंग हुई। कैसी चीटिंग? वैसे फारा कह रही थी कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, प्यार करना चाहिए आप। तो ये बात है। हाँ भी मैं चाहती थी कि सुबह की तरह दोपहर की नमाज भी पढ़ लूँ। हाँ सर, को दोपहर की नमाज नहीं, जोहर की नमाज कहते हैं। सारा ठीक कह रही है, हमारे इस्लामियात के टीचर ने भी हमें याद करवाया था, आपको याद नहीं? हाँ तो क्या हुआ, जब इंसान बहुत सारी बातें याद करते हैं तो कुछ भूल भी जाता है ना। और क्या पप्पू से इस तरह बात करते हैं, बुरी बात हो या अच्छी बात? तो बुरी बात है। हाँ, और जब हम कोई बुरी बात करते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? सॉरी करना चाहिए। कोई बात नहीं,
आज मैंने आप लोगों की वजह से एक अच्छी बात सीखी, इसके लिए थैंक यू। चलें भाभी जोहर की नमाज पढ़ने। मैं आती हूँ, आप लोग खाना फिनिश करो, मैं नमाज पढ़ के। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था समय। अगर किसी और ने कहा होता ना तो मैं कभी भी यकीन ना करती, लेकिन खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ कि ताई अम्मी चांद और जोया एक साथ एक ही कमरे में नमाज पढ़ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो कुछ सोचा था वो सब नाकाम हो गया। अब इतना भी हल्का ना लिया करें, ऐसा भी नहीं है कि सारा गेम मेरे हाथ से निकल गया हो। तुम्हारे हाथ से, तुम्हारा मतलब है हमारे। अब क्या सोच रही हो तुम? सोनिया भाभी, मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि अब क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारी सोच पूरी हो गई हो तो मुझसे भी शेयर कर लो। जोया की एक दुखती रग है मेरे हाथ, जो उसे कभी चांद के असर में नहीं आने देगी। शायद तुम भूल रही हो कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही मुझे बताया था कि जोया चांद के साथ। तो क्या हुआ? एक दो बार किसी की बात मान लेने से दुनिया थोड़ी ना बदल जाती है। और अगर जोया की दुनिया बदल गई तो? ऐसा कभी नहीं होगा सोनिया भाभी, क्योंकि आप और मैं ऐसा कभी होने नहीं देंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आप बताएं अब्बू कैसे हैं? हाँ बेटा, सब ठीक है। तुम्हारे ताया और ताई तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, कह रहे थे कि अगर शादी इतनी अचानक ना होती तो वो लोग जरूर शिरकत करते। अम्मी मुझे भी आप से बात करनी है। सबर करो ना अमर, रुको, पहले अमर से बात करा दे, मुझे भी बहुत याद आ रहा है वो। अच्छा ये लो अमर, मैं तुम्हारे अब्बू को दवा देकर आ रही हूँ। हेलो आपी, आपी आपने वो पिक्चर्स चेक की जो मैंने आपको सेंड की थी? अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरा फोन नहीं काम कर रहा, हैंग हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसे। तो लैपटॉप पर देख लें, इतनी अच्छी पिक्चर्स आई हैं। हम यहाँ से इस्लामाबाद घूमने गए थे। चलो अभी हसन आते हैं ना, उनसे बोलती हूँ दिखा दे आपकी पिक्चर्स मुझे। आप ही, हम कल मर जाएंगे यहाँ से, काश आप भी होती तो कितना मजा आता। कोई बात नहीं, हम दोबारा कुछ प्लान कर लेंगे। क्या हुआ? बहुत प्यारी लग रही हो आज। थैंक यू। क्या हो गया? कहाँ जा रही हो तुम? अपनी दोस्त महविश के घर। क्यों? महविश के घर क्यों जा रही हो? क्या मतलब क्यों? महविश दोस्त है मेरी अम्मी।
लेकिन मुझे पता तो चले आखिर तुम उसके घर में क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो, तो ताकि तुम्हारे डैडी पूछे तो उन्हें मैं बता सकूं। अब महविश के घर में इफ्तार पार्टी, सब फ्रेंड्स आ रही हैं। फिर इफ्तार पार्टी रखी है? अभी पिछले दिनों में तो रखी थी उसने। क्या अम्मी आप इतनी इंक्वायरी करती हैं? बारी बारी सब दोस्त अपने घर में इफ्तार पार्टी कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी इफ्तार पार्टी रखोगी? हाँ मैं भी एक दिन रखूंगी। अच्छा अम्मी देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत देर से सोता हूँ और ये बहुत पुरानी आदत है मेरी। मैं अपने दोस्तों से भी इसी वक्त कांटेक्ट करता हूँ। तुम अपने दोस्तों से कांटेक्ट नहीं करते बल्कि उनकी नींद खराब करते हो। भाई जब मैं जाग रहा हूँ तो फिर तुम क्यों ना जागो? अच्छा और हर दोस्त से यही डायलॉग बोलते हो? ये डायलॉग नहीं है सुजा, ये मेरे दिल की आवाज है। और हर दोस्त से नहीं कहता, सिर्फ तुमसे कहा मैंने ये। सिर्फ मुझसे? हाँ क्योंकि तुमसे मेरा दोस्ती के अलावा भी कुछ ताल्लुक बनता जा रहा है और मैं उस ताल्लुक को हमेशा निभाना चाहता हूँ। तुम भी क्या चीज हो। अच्छा उसके वीजे का क्या हुआ यार? क्लियरेंस क्यों नहीं मिल रही है उसके साथ? हाँ हाँ अच्छा तो कितने दिन में मिलेगी? जल्दी भेजो। और हाँ बेटा कैसा चल रहा है काम, सब ठीक है ना? टैटू प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयार है, मैं इनफैक्ट आपको दिखाना चाह रहा था। ये काम तो तुमने बहुत जल्दी कर दिया। इनफैक्ट डैड वो सलमान भाई और बिलाल भाई ने भी देख लिया, उन्हें तो ठीक लगी है। अब अगर आप भी देख लेते तो मुझे तसल्ली हो जाती। नहीं आजकल मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कोई जल्दी नहीं है, जाओ फ्रेश हो जाओ, चाय पी लो, फिर इत्मीनान से मुझे प्रेजेंटेशन दिखा दे। तो डैड चाय साथ पीते हैं ना, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ऑलराइट। हेलो। हाँ भाई। हाँ जाहिद। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं बनी थोड़ी देर में। मेरा फोन को पता नहीं क्या हो गया, हैंग हुए जा रहा है, चल नहीं रहा। और अहमद ने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी हैं, तो क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर लूं दो मिनट के लिए? ओके श्योर। थैंक्स। शहनाज क्या हो गया तुम्हें, आज इतनी देर लगा दिया तुमने? बस बेबी दो मिनट का काम है। अच्छा इधर आओ, इसे डैडी के कमरे में ले जाओ जल्दी से, ये मैं कर लूंगी, मुझे दो। जाओ उसे ले जाओ ध्यान से। मैंने जाहिद से कहा कि यार जाहिद मुझे जल्दी जाना है, मैं कहूँ वो तो बैठ के मुझसे बातें करने के लिए, यू नो उसकी बेटी की शादी हो रही है ना। दीजिए वो आ गया। आप तो खाम खा बेचैन हो रहे थे। क्यों ना हूँ बेचैन यार, एक तो हसन मियाँ की पहली प्रेजेंटेशन है और अगर ये प्रेजेंटेशन सही हो गई ना तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा हमारी कंपनी को, और अल्लाह जानता है कि हमारी कंपनी को इस ब्रेक थ्रू की शदीद ज़रूरत है। और मैं कह रहा था कि वो जाहिद साहब की बात कर रहा था। मेरा फोन को पता नहीं क्या हो गया, हैंग हुआ जा रहा है, चल नहीं रहा। और अहमद ने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी हैं, तो क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल करूं दो मिनट के लिए? जान मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी, ये तुमने अपने हक में बहुत बुरा किया। जाहिद साहब मुझे क्या कहने लगे? चलो मैंने कहा यार जाहिद साहब आप
क्या क्या हो गया है आपको? आपकी बेटी की शादी हो रही है लेकिन मेरी तो बहुत जिंदगी। क्या बात है बेटे, परेशान लग रहे हो तुम? बस डैड मैं जरा आया, एक बस अभी आया, मैं दिखाता हूँ फिर आके। क्यों बेटा, कोई काम याद आ गया? जी माँ, वो एक दोस्त का मैसेज आया, मैं भी आ रहा। फिर वही दोस्त यार। देखो हसन, इस प्रेजेंटेशन को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। तुम्हारे पास दोस्तों के साथ अपना वक्त जाया कर रहे हो यार, बिल्कुल वक्त जाया कर रहे हो। अगर कुछ गलत हुआ ना तो सारी जिम्मेदारी तुम पर आएगी। मैं दो मिनट में गया और आया। बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी आइएगा। एक तो ये लड़का जो है ना, ये नहीं, मैं जब बोलने लगता हूँ तुम बीच में क्या है को आगे? अरे मैं नहीं बोलूंगा तो क्या? इसको समझना चाहिए, बड़ा हो गया ये, दिमागी तौर पे नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पे हुआ है, MBA कर लिया होता है जाहिल। चांद उठो और अभी के अभी मेरे साथ ऊपर कमरे में चलो। हसन क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों? मैं इसकी हरकतों से तंग आता जा रहा हूँ। ओहो क्या हो गया आपको? बच्चा है, समझ जाएगा, अभी तो शादी हुई है। शादी हो गई है ना, उसको एहसास होना चाहिए। शादी तो सुना नहीं मैंने क्या कहा? हसन की आवाज लग रही है ना। अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ ना जाके, तो आप बहुत तंग करते हैं। अगर तुम जा रही हो ना फजाना उसके पास, तो उसको ये भी समझाओ कि मगरिब का वक्त हो गया है, कुछ एहतराम करे, बच्चा नहीं रह गया ये। अच्छा अच्छा, मैं समझाती हूँ ना उसे। कुछ ख्याल करो, ये रोजा खुलने वाला है, जो बाद में करनी है बाद में करना। टाइमिंग प्लीज। हाँ इस वक्त बीच में नहीं बोल, अरे मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ, गुस्से से चुप रहे प्लीज। देखो तुम अगर मेरा ख्याल नहीं कर रहे तो कम से कम रोजे का एहतराम कर लो, जो बाद में करनी है बाद में करना। चलो मेरा हाथ छोड़े, आखिर मैंने ऐसा किया कि जब तमाशा कर रहे हैं। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे कोई बात नहीं करनी, तुम सीधी तरह मेरे साथ ऊपर चलो। ये सब कुछ सहने की मुझे आदत है, मगर ताई चांद को नहीं, क्या सोचेंगे? किसी ने कुछ भी सोचना है वो सोचता रहे चांद, आई डोंट केयर। लेकिन तुम जो कुछ करती फिर रही हो ना, उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। सर मैंने ऐसा क्या किया हसन जो आपसे? छोड़ो मुझे। देखा है तुमने कि इस बच्चे के साथ किस किस्म का बर्ताव हो रहा है इस घर में? भाभी जान, मियाँ बीवी का आपस का मामला है, मेरे ख्याल में हमें नहीं बीच में बोलना चाहिए। ठीक कह रही फजल, लेकिन कभी कभी किसी के घर को बचाने के लिए किसी दूसरे का बीच में बोलना जरूरी हो जाता है, समझी तुम? मुझे बताए हसन। चांद बिनते रियास, आज तो मुझे बताई दो कि आखिर तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है? मगर मैंने क्या किया है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम इस काबिल का हो कि कुछ करो, लेकिन हाँ जहाँ पे कुछ गलत करना हो ना वहाँ पे तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियत उभर के सामने आ जाती है। मेरी क्या गलती, क्या गलत काम किया है मैंने, मुझे बताए तो सही। आज तक तुमने कभी मेरा लैपटॉप नहीं संभाला, फिर आज ही क्यों? हाँ बताओ मुझे, बताओ किसके कहने पे तुमने मेरी 3 इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट की हैं? मैंने कुछ डिलीट नहीं किया, उसमें इल्जाम लगा रहे। हाँ हाँ इल्जाम लगा रहा, इसलिए कि मेरे पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है ना। लेकिन एक बात मेरी याद रखना चाहते, तुम्हारी ये गलती मैं कभी माफ नहीं करूंगा, तुम्हारे सिवाय ये गलती और कोई कर ही नहीं सकता। यू आर द लास्ट पर्सन हू यूज्ड माय लैपटॉप, कभी माफ। क्या हुआ? कुछ नहीं, चांद का और हसन का आपस का मामला था, मैंने इंटरफेयर नहीं किया। अच्छा मुझसे तो ये कह के गया था कि दोस्त के पास जा रहा है। अजीब लड़का है हसन भी, शादी के बाद पता नहीं इसे क्या हो गया।
वैसे सच्ची बात बताऊं आपको, मुझे तो कभी कभी लगता है कि हसन की हमने इस जगह शादी करवा कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? चांद एक इंतहाई समझदार बच्ची है, पढ़ी लिखी है। शुक्र करो तुम कि तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। अगर ये शादी कोई बचाएगा ना तो वो चांद बचाएगी, वरना हसन, हसन तो एक इंतहाई नालायक बच्चा है। अगर इनकी जिंदगी में कोई बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा तो चांद की वजह से पड़ेगा। विली, क्या है ये? मुंह मीठा करो। किस खुशी में? एक बहुत बड़ी खुश खबरी तुम्हारी मंजूर से। ऐसा क्या कारनामा अंजाम देके आए हो ये तो बता दो। आज मैंने हसन टीम के पहली बॉल पे गिरा। थैंक यू। रियली? यस। ऐसा क्या किया तुमने? एक्चुअली हसन साहब बहुत कूल बनके ना सलमान भाई के कमरे में आए। ये मेरी प्रेजेंटेशन है। और इसके बाद? इसके बाद? You know your Billy. I like that. I also. Drum fit. Stop it. फिलहाल ने एक बटन दबाया और ये आप मुझे अच्छी खबर सुना रहे हैं। अच्छी तो है लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक बहुत अच्छा क्लाइंट हमारे हाथ से निकल गया। देखें कभी कभार किसी बड़े मकसद के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुम इस काबिल का हो के कुछ करो, लेकिन हाँ जहां पे कुछ गलत करना हो ना वहां पे तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियतें उभर के सामने आ जाती हैं। आज तक तुमने कभी मेरा लैपटॉप नहीं संभाल किया, फिर आज ही क्यों? हाँ बताओ, मुझे बताओ किसके कहने पे तुमने मेरी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट की हैं? मैंने कुछ डिलीट नहीं किया, मुझ पे इल्जाम लगा रहे। हाँ हाँ इल्जाम लगा रहा इसलिए कि मेरे पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है ना। लेकिन एक बात मेरी याद रखना चाहत, तुम्हारी ये गलती मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे सिवाय गलती और कोई कर ही नहीं सकता। यू आर द लास्ट पर्सन हू यूज माई लैपटॉप। चांद बेटा क्यों इतनी परेशान लग रही हो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी हल कर सकूं। चांद बेटा बोलो। हसन को लगता है कि मैंने उसकी एक फाइल डिलीट मतलब घुमा दी है। अच्छा लेकिन उसे ये बदगुमानी हुई कैसे? ताईजान एक मिनट के लिए मैंने हसन का लैपटॉप यूज कर लिया था तो वो कह रहा है कि मैंने ही घुमाई है। तो क्या दोबारा फाइल नहीं मिल सकती? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि ऐसा हो सकता है ना? कह रहे थे ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई पहले? तो बेटा इसीलिए तो कहते हैं कि मामलात को हमेशा ठंडे दिमाग से देखना चाहिए, वरना तुम इतना परेशान रहोगी तो कैसे कुछ कर सकोगी? इसे एक प्रॉब्लम है। डेटा रिकवरी का एक सॉफ्टवेयर होता है जो जिसकी सीडी मेरे पास नहीं है। तो हसन के कमरे में जाके ढूंढो ना, उसी के पास होगी। शर्म तुम्हारे साथ चलती हूँ। आखिर झगड़ा किस बात पे हुआ है? साहिर है जब बीवी ख्याल नहीं रखेगी, उसकी बात नहीं मानेगी, कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा ना। तुम रिवायती सासों की तरह बात कर रही हो। यकीनन हसन ने कुछ किया होगा। वो चांद जो है वो उसकी छोटी मोटी बदलियाजी को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन हसन ने यकीनन कोई बड़ी बात की होगी आज, वरना
शाम की चाय तो जरूर पिला देती है वो बेचारी मुझे, आज शाम की चाय भी नहीं पिलाई उसने मुझे। अब आप किसको फोन कर रहे हैं? हसन को, मगर फोन नहीं उठा रहे हैं आपके साहबजादे। देखिए, आप कहते हैं कि जान बहुत अच्छी बीवी है, ख्याल रखने वाली है। अगर ख्याल रखने वाली है तो फिर दोनों के दरमियान झगड़ा क्यों होता है? हर वक्त वो घर से बाहर क्यों रहता है? अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो ख्याल नहीं रखती? हाँ फरजाना, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारी और समय की मेंटेलिटी बिल्कुल एक जैसी है, दोनों दोनों आग लगाने पर लगे रहते हो तुम लोग। बेटा मुझे भी बताओ कि इसमें क्या लिखा है ताकि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं ताईजान, आपसे नहीं होगा, मैं कर लूंगी, आप परेशान नहीं हो। बिली, मैं ये देख रहा हूँ तुम जाओ। तुम ये भी कहना है कि बिली जाओ ना, देखो कौन है। मैं वैसे पूरा दिन काम करती हूँ, थक गई हूँ, जाओ। तुम नहीं जा सकती। जेमी आए। हसन का पूछने आए थे, कुछ पता है हसन कहाँ गए? हसन नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। आपको पता है वो कुछ शेयर कहाँ करता है, कहाँ है, किधर है, कुछ मुझे नहीं पता। अम्मी सब खैरियत तो है? ये तो है, बहुत लापरवाह हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता क्या बनेगा इस लड़के का। तुम्हारी तो उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना, मिलकर शायद तुम्हें बता के क्या हो। पता है कुछ? नहीं अम्मी जी, मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ये भी नहीं है ताईजान। अच्छा, शौहर को नाराज करके उसे बाहर भेज दिया और खुद यहां मूवी देखने की तैयारी हो रही है। तुम्हें गलत फहमी हो रही है फरजाना। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही, ये सब कुछ देखकर तो नहीं लगता कि रमजान का कोई भी एहतराम कर रहा हो। नहीं अम्मी, ये बस तुम तो खामोश रहो। एहतराम पूछ रहे हसन कहाँ गया? हसन मुझे बता के नहीं गए। देखो अगर सीडी यहाँ नहीं मिल रही तो मार्केट में तो मिलेगी ना। हाँ तो मिल जाएगी, लेकिन ताईजान आप ये सब कुछ देख तो रही, मैं कैसे जाऊंगी अकेले? अरे भाई अकेले क्यों, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उठो चलो जल्दी करो, बड़ी देर होगी, पकड़ो जल्दी करो जल्दी करो। आ जाओ 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 जाओ। मेरा फोन को पता नहीं क्या हो गया, हैंग हो जा रहा है, चल नहीं रहा। और अहमद ने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी हैं, तो क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल करूँ दो मिनट के लिए? तुम मेरी इंसान नहीं कर सकते। अब तुम मेरे साथ चीट कर सकते हो? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मुझे मैंने कोई फ्लर्ट नहीं किया, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने फ्लर्ट किया तो यही सही। And you should not be married. तो मैं फ्लर्ट आदमी के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी शादी को सिर्फ एक दिन हुआ है और तुम्हारी गैर जिम्मेदारी का यह आलम है कि तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं डैड, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं हसन मियां। अरे कोई जिम्मेदारी होती है जब तुम्हें पता है कि तुम्हें चांद के घर जाना है उसको लेने के लिए, तो तुम इस बात को इशू क्यों बना रहे हो? डैड मैंने कोई इशू नहीं बनाया हुआ, बस दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा
दुनिया तुम्हारे दिल के चाहने या ना चाहने से नहीं चलती। कुछ जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए तुम्हें। डैड की तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है, बेहतर है, वरना तुम्हारी बीवी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या मतलब? जाके उससे खुद ही पूछो। मैं उससे भी पूछ लूंगा मॉम, लेकिन बताएं मुझे क्या किया जाए। तुम्हारे डैडी ने उसको इतने प्यार से कहा कि बेटा कोरमा बना, उसमें उसने इतना नमक डाल दिया कि उन्होंने बाइट ली और उनका बेबी शूट अप कर गया। उसको जाके अपनी जबान में समझाओ कि वो चाहती क्या है। जल्दी करो, देर हो रही है। ठीक है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो सही है, मत सुने। मैं तो आपके फायदे की बात करने आई थी। अच्छा बोलो, अब क्या बात है? बताना सिर्फ इतना था कि ताई अम्मी और जान में काफी मेल मिलाप पड़ रहा है। इसमें नई बात क्या है समिया? मैंने सोचा कि इस गठजोड़ के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप कोई तोड़ निकाल सके। ठीक है, तुम पूरी बात की खबर लाओ, फिर मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। और सुनो, जो तुम अपनी कहानियां सुनाती हो ना, मुझे कोशिश ये किया करो कि वो पूरी हो। तुम्हारी अधूरी खबरों से मुझे कोई फायदा नहीं है। बेटा, इसे कब तक बैठकर देखती रहोगी? मेरी मानो तो हसन के आने से पहले तुम ये काम कर डालो, वरना उसके आने के बाद तुम कुछ नहीं कर सकोगी। ताईजान, ताईजान सारा डेटा रिकवर हो गया वापस। मैं कहती थी ना कि अल्लाह नेक नियत लोगों को हमेशा कामयाब करता है। तुम जल्दी से डैड के पास चलते हैं। लेके अब कब तक इस बात पर मुंह लटका के रखेगा? तो क्या मतलब है यार फिर कि मैं उसकी इस गलती को माफ करूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि गलती हर एक से हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, तुझसे भी हो सकती है, वो भी इंसान है यार।
और भाभी को बुरा भला कहने से बेहतर ये ना होता कि तू अपनी प्रेजेंटेशन नए सिरे से बना लेता। बे यार यही करना था मैंने, लेकिन गुस्से से दिमाग इतना खराब हुआ था कि काम पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं। अच्छा मेरी बात सुन, भाभी को बहुत बुरा भला कह चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब तेरा गुस्सा बाकी रहना चाहिए। ओके जा रहा हूँ, मैं करता हूँ कोशिश। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। अनबिलीवेबल, मतलब इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन बनाई है सर ने, यकीन नहीं आ रहा मुझे। देखा तुमने, जिससे कोई तवक्को ना हो वही तवक्को पूरी कर देता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी जान, नहीं मेरी तवक्कोआत से बहुत ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है हसन। बेटी हसन कहाँ है? कमरे में। अच्छा लाओ उसे। यार ये लैपटॉप किधर चला गया, यहीं तो रखा था। हसन क्या ढूंढ रहे हो बेटा? कुछ नहीं मां। अच्छा वो लैपटॉप देखा आपने मेरा? तुम कहाँ गए थे? मां वो छोड़ा मुझे बताया लैपटॉप देखा। मुझे तो नहीं मालूम, चांद से पूछ लो। तो फिर यही बता देंगे चांद कहाँ है। मुझे क्या पता, यहीं कहीं होगी। आ जाओ भाई। अनबिलीवेबल हाँ, अनबिलीवेबल यार, तुमने ये खुद बनाई है प्रेजेंटेशन, इतनी जबरदस्त। रियली आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पीली सो यार। जरीवा शाबाश तो लो बेटा, इधर आओ। कम यू माय सन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। क्या काम किया है तुम, वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा था, वो तो मुझे चांद ने बताया तो यकीन आया मुझे। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ बेटा चाय लेके आओ, और इसके लिए बिस्किट्स भी लेके आना, इसको थोड़ी सी पैम्परिंग की जरूरत है। थैंक यू यार, इट्स वंडरफुली डन, रियली आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट यार।